हेल्दी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। खुश रहें और मुस्कुराते रहें और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और आजकल डेंगू वायरस भी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। आप लोग लाजमी अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनकी सेहत का ख्याल रखें और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो अभी बच्चे करेंगे लंच, तो आपने हमारे साथ ही बने रहना है। आज लंच में उनके लिए क्या बनाया है वो मैं ही जानती हूँ कि मैंने क्या बनाया है लंच में। आज मैंने बनाए थे उनके लिए सुबह सुबह दाल और बनाए था मैंने परांठे, तो आपने मेरे साथ ही बने रहना है। तो बच्चों को करवाते हैं लंच, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अभी हम करने लगे हैं बच्चों के साथ लंच, तो लंच में मैंने बता दिया था कि क्या क्या है और बच्चे जैसे लंच कर लेंगे तो रूटीन के मुताबिक मैं इनको दूँगी सिलाह और सोने के बाद उठेंगे, फिर ये लोग पढ़ेंगे और इवनिंग की रूटीन को शेयर करेंगे और उसके बाद फिर जो करना होगा हम करेंगे। तो जिस जिसने करना है, जिस स्कूल से आने के बाद का नाश्ता, तो वो आ जाए और नाश्ता कर ले, तो ये देख लेंगे। तो आज बच्चों ने कहा था कि आज हम बनाएंगे मैक्रोनी, तो फिर शाम को तैयारी हो चुकी थी मैक्रोनी की। आजकल मेरा ओवन बहुत ज़्यादा कर रहा है मुझे तंग, क्योंकि ओवन की जो आग है वो पूरे चूल्हा में फैल जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। लेकिन हस्बैंड जी को मैंने कह दिया था कि आपने करना ये है कि जो मेरे जहेज़ वाले चूल्हे पड़े हुए हैं आप वो लगा दे और ओवन को आप बाद में अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर देना। तो उन्होंने कहा था ठीक है, और ये मैंने मैक्रोनी बॉयल करके रख लिए थे और रूटीन के मुताबिक जैसे आपको पता ही है। तो फिर उसके बाद मैंने इसको बॉयल करने के बाद फिर मैंने सारा खाना जो था कर लिया था, और जब आधी रात हो चुकी थी मैक्रोनी सब ने खा लिए थे तो लग चुकी थी भूख। हम लोग चले गए थे प्रेयर पे, प्रेयर पे आने के बाद फिर बच्चों को लग गई थी भूख, मतलब कि जो जाग रहे थे उनको। तो फिर मैं और इनके बाबा गए थे बाहर और हमने सोचा कि चले कुछ ना कुछ देख के और इनके लिए हल्का फुल्का से ले आते हैं। तो जी जनाब ये आ गया थे इधर टिक्के वगैरह और फिर साथ में बन चुकी थी चाय, और ये देख लें चाय, जिस चीज़ को चाय पीना मज़ेदार सी। और ये मेरा चाय का कप है जो कि मैं कभी भी हाफ या थोड़ा नहीं पीती, मुझे चाय बहुत पसंद है, आई लव चाय। खाना मिले ना मिले लेकिन चाय साथ मिलनी चाहिए, कभी भी मिलनी चाहिए, किसी वक्त मिलनी चाहिए। तो चाय मैं बहुत शौक़ से पीती हूँ, चाय को खूब इन्जॉय करके पीती हूँ, और चाय शादी भी पी रही थी लेकिन चाय के साथ जब कुछ ना कुछ होता है तो भी और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो जी जनाब ये है चाय मज़ेदार सी, और फिर हम लोगों ने साथ में लिए थे पान भी जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़ेदार थे। और खाने के बाद पान लिखाया जाए तो क्या ही बात है। तो पान खाए बनारस का, खई के पान बना बनारस का, मुझे गाना नहीं आ रहा लेकिन कुछ इसी तरह से है। और ये देख सकते हैं जिस जिसको पान अच्छा लगता है आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। और ये बिना चालिया के पान है, बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर जस्ट कोकोनट होता है और भी कलकत वगैरह होती है एक, पर इसके अंदर छालियाँ नहीं होती है, जो कि हम लोग कभी कभी हस्बैंड जी लाते हैं और हम लोग खाने के बाद खा लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा कूल कूल बनारस का पान तो नहीं लेकिन मेरे कराची का पान ज़रूर है जो बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार है। तो किस किस को खाना है पान आ जाए और इन्जॉय कर ले पान, और फिर इन्जॉय करें। और ये ले और किसको खाना है, अभी ये खाएगी शॉलमियन, क्योंकि मैंने कहा था कि सब बच्चे टेस्ट कर लेंगे, जस्ट मैं तो लाई अपने लिए थी, फिर मुझे चीज़ मिल बांट कर खानी पड़ती है, इसलिए मैं भी चीज़ बच्चों को भी साथ दे देती हूँ क्योंकि मैं चीज़ अकेले में कभी नहीं खाती। तो जनाब इसके बाद ये थे हस्बैंड जी को मैंने कहा था मेरे चूल्हे सेट करवा दीजिए, तो वो देखे अभी चूल्हे जो नीचे से हम लेकर आए थे जो पड़े थे उन्होंने सेट कर दिए हैं, ओवन के ऊपर ही ओवन को हमने कर दिया है बंद। तो फिर वो कह रहे थे पहले अभी ऐसी जुगाड़ी काम करो फिर उसके बाद मैं आपको ओवन ठीक कर दूंगा, तो फिर आप उसमें भी काम करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे कर दे लाइक शेयर सब्सक्राइब और मिलेंगे आपसे बाद में, बाय।